अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भई यूनिवर्सिटी का टीवी व्यू टीवी, और मुझे कहते हैं फातिमा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल प्रोग्राम एडमिशन ऑनलाइन, और बात करेंगे आज हम एक नए प्रोग्राम के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं दो बहुत ही ख़ास पर्सनालिटीज़ जिनका ताल्लुक मीडिया डिपार्टमेंट से है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से कराएंगे जिनका 32 ईयर्स से भी ज़्यादा का तजर्बा है टीचिंग में। और जनाब, शोबा दरसो तदरीस शायद कहने या सुनने में आसान लगता हो, लेकिन एक बहुत ही डेडिकेटेड फील्ड है। और जनाब, आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयर मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट, आप फॉर्मर डीन रह चुके हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी बुक्स में आपके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, और अगर रिसर्च की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड भी आपका नाम जो है वो हर जगह जाना पहचाना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सिराज। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब, आपसे हमने तारुफ कराया अपने पहले मेहमान का, और इसी के साथ बढ़ेंगे अपने दूसरे मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट के सीनियर फैकल्टी मेंबर असिस्टेंट प्रोफेसर फरुख शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? बात करेंगे आज हम अपने प्रोग्राम में एक नए डिपार्टमेंट के बारे में, एक ऐसे डिपार्टमेंट, एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट ने लेटेस्ट अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। उसे कहते हैं जनाब BS TV प्रोडक्शन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग। टीवी ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका इनिशिएटिव है, आपने ही ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, 4 साल का प्रोग्राम है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्रोग्राम से? देखिए जी, हमारे मुल्क में BS मीडिया स्टडी जर्नलिज्म मैस कम्युनिकेशन ये प्रोग्राम काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। कराची से लेकर पेशावर तक कोई 50 डिपार्टमेंट है जो एक ही प्रोग्राम है, जो बहुत ट्रेडिशनल मीडिया के हवाले से ये इसमें कोर्सेज है और एक ट्रेडिशनल वे में ये पढ़ाया जा रहा है ये प्रोग्राम। तो यहाँ आकर इसको हमने कंसीव किया कि नहीं, अब चूँकि दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, बहुत टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन है, यानी इंट्रोडक्शन है इन द मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट सेटेलाइट से बहुत ज़्यादा, तो लिहाजा अब बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्सेज जो उस मीडिया स्टडीज़ में वो अपसलीट होते जा रहे हैं। सपोज प्रिंट मीडिया इज़ नो मोर वर्किंग, बिल्कुल, इट्स अ डाइंग मीडियम, लोग इसको अब परचेज़ नहीं कर रहे, लोग नहीं ख़रीद रहे, लोगों के पास टाइम नहीं है, अखबार पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, आप उसको कैरी करते ये भी लोग नहीं कर सकते। तो लिहाजा बहुत स्मार्ट इस छोटे से एक आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और उसमें दुनिया सब कुछ इसी में है, इसमें जर्नलिज्म है, इसमें कम्युनिकेशन है, इसमें ड्रामा है, फिल्म है, सब कुछ है। तो लिहाजा आपको एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है, और है इमीडिएटली, हम इसको अभी बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि एक सराहत हुई है, एक सब लोगों को एक पहचान है मास मीडिया स्टडीज़ की, और मास मीडिया स्टडीज़ के जो बहुत सारी चीज़ें अब शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमने एक आइसोलेटेड नाम दिया टीवी ब्रॉडकास्टिंग। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में कोई 100 चैनल्स है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बूमिंग पे है, कुछ आजकल इंडस्ट्री में कोई ऐसे लूप्स हो आए हुए, ऐसी कोई कमी आई है, लेकिन जनरली 100 चैनल का पाकिस्तान में होना, फिर इतने नंबर से डबल नंबर आप रेडियो का भी देख रहे, तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ एक सफ़र कर रहे, दुनिया ने भी इस टाइप का सफ़र कर दिया। तो अगर हम एक पुराने पैराडाइम के साथ और पुराने कोर्सेज के साथ और पुराने थेरीज के साथ और टीचिंग के साथ अगर हम चिमट रहे, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि मैं एज ए प्रोफेसर और जिसकी इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, रिसर्च हो, जिसने इंटरनेशनल दुनिया भी देखी हो, और वो भी वो इत्तेफाक करे कि नहीं ये चलना चाहिए, तो मैंने इत्तेफाक नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, वह आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फेड आउट कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते, उसमें बहुत चीज़ें भी करामत है, लेकिन हमें नए जो अफक है, नए जो एवेन्यूज़ है, हमें जाना चाहिए। तो लिहाजा ये उस सोच की एक नतीजा है कि हम टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग की तरफ गए, इसमें वो सारे टेलीविज़न से रिलेटेड जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें प्रोडक्शन है, जिसमें स्क्रिप्टिंग है, ये वो एरिया है जो मैक्सिमम वो कोर्सेज है जो जर्नली BS में हम नहीं पढ़ते थे, और इसकी एक कमी थी जब हमारे बच्चे इंडस्ट्री की तरफ जाते थे, चूँकि इंडस्ट्री में ज़्यादा आप टेलीविज़न इंडस्ट्री है, इस वक्त आपकी इंडस्ट्री सोशल मीडिया इंडस्ट्री है, ठीक है ना, आपको आपका जो 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 आपके जो इंटरप्रेन्योर है उनकी डिमांड कुछ और है, प्रिंट मीडिया ऑलमोस्ट गायब हो चुका है, तो लिहाजा उनको कोई और ज़रूरत है, इंडस्ट्री को कोई और ज़रूरत है। लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो हमने प्रोग्राम किए हैं, हमें और प्रोग्रामों की तरफ भी जाना होगा, डिजिटल मीडिया की तरफ जाना होगा,
हमें बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरह, ग्लोबलाइज मीडिया की तरफ जाना होगा, बहुत ज़्यादा और भी एरियाज है जो एक ट्रेडिशनल एक अप्रोच था उससे हट कर बहुत चीज़ें सामने आ रही है। तो लिहाजा ये वो सोच है ताकि इंडस्ट्री को हम अच्छे तरीके से कैटर कर सके, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर हो, हमारे स्टूडेंट्स तैयार हो, जो ही आप इंडस्ट्री में जाए उनके लिए इंडस्ट्री बिल्कुल नई नज़र ना आए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टेलीविज़न का जो इस हमने इनिशिएटिव लिया है, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ ने भी इनिशिएटिव, और अब मज़ीद जो यूनिवर्सिटीज़ है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ये इनिशिएटिव्स अब ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम उन चंद स्टार्ट यूनिवर्सिटीज़ में थे जिन्होंने इस तरह सोचा और प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुली चलाया और बहुत लोग उस पर अब दिलचस्पी ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह प्रोग्राम और यूनिवर्सिटियों को भी करना चाहिए, और हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमने किया, सक्सेसफुली गया, अब थर्ड सेमेस्टर में है, और स्टूडेंट्स के लिए हमने एनेबलिंग एनवायरनमेंट, एनेबलिंग से मुराद है कि वो टेक्नोलॉजी, वो ट्रेनिंग जिसकी ज़रूरत है, वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। फारुख साहब, बात करेंगे, एक साल ऑलरेडी गुजर चुका है और एडमिशन्स हुए, नए स्टूडेंट्स आए, BS मीडिया और BS TV ब्रॉडकास्टिंग, क्या फ़र्क था दोनों के स्टूडेंट्स में? जैसे सर ने भी बात की, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी कोई इंडस्ट्री इवॉल्व करती है तो उसके साथ जो एकेडमिक जो लिंकेज होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो जो TV ब्रॉडकास्टिंग का जो हमारा आइडिया था यहाँ पे कि इसको हमने इंटीग्रेट करना है ताकि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब ये इंडस्ट्री में जाएं तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकें, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर TV ने इवॉल्व तो किया है लेकिन शायद प्रोफेशनलिज्म उस तरह इवॉल्व नहीं कर सका। उसकी रीज़न ये थी कि जो TV के ऊपर आप कह सकते हैं कि जितना वर्क फोर्स था, जितने जर्नलिस्ट थे, दे वर ट्रेंड फॉर प्रिंट मीडिया एंड दे वर नॉट ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है, डेफिनेटली इट्स गोना प्रोवाइड हेल्प टू द स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, ताकि वो अपने आप को जो TV के साथ एक कंपैटिबिलिटी है, जो TV की रिक्वायरमेंट है उसके साथ कर लेंगे। डेफिनेटली जो आपका क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स दे वर एक्साइटेड कि एक नई चीज़ आ गई है, बिकॉज दे वर लाइक, क्योंकि TV पे जब TV एक ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी को TV पे देखते हैं, यस, तो लिहाजा उस हवाले से जब भी उनके जहन में ये चीज़ें थी तो दे वर एक्साइटेड, एंड दैट्स वाई जैसे सर ने भी मैंशन किया कि हमें अच्छा इनटेक मिला और स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और होपफुली हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे में ये प्रोग्राम मज़ीद इवॉल्व करेगा, क्योंकि स्पेशलाइज जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल प्रोग्राम्स। तो ये एक अच्छा एंडेवर है बैरियर यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उम्मीद ये की जा रही है कि इंशाल्लाह हम फ्यूचर में जो इसको इस प्रोग्राम को मज़ीद इन्हेंस करेंगे टू केटर द मार्केट डिमांड्स। डॉक्टर साहब, एकेडेमिया के हवाले से किस तरह से डिफरेंस है TV ब्रॉडकास्टिंग के कोर्सेज में और मीडिया स्टडीज़ के कोर्सेज में? देखिए, एकेडेमिया में बहुत ज़्यादा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चंस किया, क्योंकि हमारा जो पूरे मुल्क में जो एकेडेमिया की जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली प्रिंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, ठीक है ना। यानी अगर आप एडवर्टाइजिंग है तो वो भी प्रिंट में, पब्लिक रिलेशनिंग है तो वो भी प्रिंट के हवाले से अच्छी ट्रेनिंग उनकी भी है, बहुत ज़्यादा अखबार भी थे उसकी वो ट्रेनिंग है। तो जर्नली बहुत एकेडेमिया में बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ दी प्रोफेसर इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम है, और उस तरह ट्रेनिंग भी नहीं है, कोई सेल्फ ट्रेनिंग हो रही है, अभी कोई फॉरेन से कुछ थोड़े बहुत आए हुए हैं, इस चीज़ की हमें कमी महसूस हो रही है। हमें जब भी प्रोफेसर्स मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमें जो लेटेस्ट इनटेक है वो उन प्रोफेसर्स उन टीचर्स की हो जिनको जिनका बैकग्राउंड में इलेक्ट्रॉनिक अंडरस्टैंडिंग हो, जिनका रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक में हो, जिनकी टीचिंग इलेक्ट्रॉनिक में हो। इस वक्त मुल्क में इस चीज़ की बेइंतहा कमी है। खुशकिस्मती हमारी ये है बैरियर यूनिवर्सिटी की, हम एक इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में रह रहे हैं जहाँ पे PTV मौजूद है, जहाँ PTV एकेडमी मौजूद है, जहाँ पे मीडिया सेंटर मौजूद है, मतलब टेलीविज़न के जो मेजर टेलीविज़न है वो यहाँ मौजूद है। तो किसी ना किसी तरीके से यहाँ एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी है। ये जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का जो प्रोग्राम है, ये तमाम जो 50 यूनिवर्सिटी है इस वक्त अभी कामयाब नहीं हुआ। आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया, क्योंकि उसके लिए मैन पावर की कमी है। हमारी खुशकिस्मती इस्लामाबाद है, क्योंकि हम एक बड़े सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज, PTV एकेडमी, PTV एक बहुत बड़ा रिसोर्स है उसको लिया हुआ है, जो दूसरे प्राइवेट चैनल्स में जो अच्छे
रिसोर्स मौजूद है उसको इंगेज किया हुआ है। हमारे पास अपने हमारे पास इस वक्त जो बैठा हुआ है फारूक उसने ऑस्ट्रेलिया से फिल्म स्टडीज़ में एमएस किया हुआ है, तो हम तलाश में हैं कि हम परमानेंट फैकल्टी को भी इस एरिया में इन्हांस करें, लेकिन ओवरऑल हमें टीचिंग में स्टूडेंट की ट्रेनिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वी आर लिविंग इन इस्लामाबाद। डॉक्टर फैकल्टीज ढूंढना कितना मुश्किल है बिकॉज एक फील्ड जो अभी अभी स्टार्ट हो रही है इसके लिए एक्सपर्ट्स कहाँ से आएंगे? जो एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में मौजूद हैं उसके लिए आपने बार बार जिक्र किया कि वो प्रिंट ओरिएंटेड एक्सपर्ट्स हैं, वो सब उस ज़माने के हैं कि जब सिर्फ एमए जर्नलिज्म कराया जाता था, फिर उसके बाद बीएस मीडिया भी आया और अब तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग का दौर है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमेशा यही थर्ड वर्ल्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री की हमेशा के लिए मसाइल होते हैं, लेकिन देखें ना हमने सोचना शुरू तो कर लिया है और बाहर से इस वक्त चाइना से मलेशिया से यूके से बहुत ज़्यादा लोगों ने कर लिया है, जो बच्चे यहाँ से बाहर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जो मीडिया यहाँ से बीएस किया है एमएस और पीएचडी अब कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों की इस वक्त वहाँ जो ट्रेनिंग है वो प्रिंट मीडिया तो वो ऑलमोस्ट कर ही नहीं है, उनकी ज़्यादातर अब रुझानात है उनकी जो 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 दाखिले ले रहे हैं जो उनकी ट्रेनिंग हो रही है वो टेलीविज़न और डिजिटल इंडस्ट्री में उनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो वहाँ से जो रिटर्न लोग आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं यूके से आ रहे हैं मलेशिया से आ रहे हैं चाइना से आ रहे हैं, तो ये वो जगह है जहाँ जो फीडिंग किस्म के कंट्रीज है पाकिस्तान में लोग वापस आ रहे हैं, तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी भी हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया और हमने मांगे और हमें कुछ CVs मिले हैं, तो ज़रा सा मुश्किल है हमें इनिशियली इतनी आसानी से, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। दैट्स नाइस। फारूक साहब कैसे देखते हैं कि आगे जाके इंडस्ट्री में कैसे एक्सेप्टेंस है, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त लोग मौजूद हैं जो सरबराहान हैं इदारों के वो उसी दौर के हैं, तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा, इसके ग्रेजुएट्स को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा यानी इनिशियल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमारे कुछ स्टूडेंट जो पहले ग्रेजुएट्स होते थे तो हमसे वो अक्सर ये शेयर करते थे कि जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो कहते हैं आप हमें बताएं प्रैक्टिकल आपने क्या किया है, तो ये जो प्रोग्राम है उनको प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उस हवाले से इतना इनेबल करेगा कि लाइक अगर इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड कि कैमरामैन उसने बनना है तो वो उस हवाले से उसको बाकायदा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी तरह अगर उसने किसी और एस्पेक्ट में ग्राफिक्स हैं इवन उसने एंकरिंग करनी है, ये प्लेटफॉर्म है जो हमारे पास BUTV डेफिनेटली ये उनको उनकी इस एस्पेक्ट को ज़्यादा उसके अंदर ग्रोथ लेके आएगा। तो क्योंकि इससे पहले जो स्टूडेंट था उसको आप ये कह सकते हैं कि दैट स्टूडेंट हैड एवरीथिंग बट ही और शी हैड नॉट समथिंग स्पेसिफिक, तो अब उनके पास एक स्पेसिफिक चीज़ आ जाएगी विच दे कैन सेल इन द मार्केट, और डेफिनेटली अगर आपके पास एक अच्छी स्किल हो तो जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको क्या आता है, तो अगर आपको एक चीज़ के ऊपर उबूर है विच इज़ रेलिवेंट विद टेलीविज़न तो आई थिंक देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि आपको डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और दूसरा ये है कि ये कोर्स जो है वो आपको यानी सेल्फ सफिशिएंट भी बना देगा, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट समझ लेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग और फिर पोस्ट प्रोडक्शन और इसके सारे जो मराहिल हैं तो उसके बाद शायद आप इंडिपेंडेंटली भी एक काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाह रहे हैं, आप इस तरह के अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट वो सारे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं प्रोडक्शन के वो ये कोर्स आपको सिखा देगा, और यानी ये उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि वैल्यू है जो अपार्ट फ्रॉम अदर कोर्सेज कि उनके पास एक स्पेशलिटी आ जाएगी विच विल बी डेफिनेटली लाइक गोना हेल्प देम इन देयर फ्यूचर। आपने जिक्र किया कि अगर कोई कैमरा पर्सन भी बनना चाहता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, हमारे यहाँ आम फहम एक ख्याल है कि जब भी टीवी का नाम आता है तो हमें सिर्फ नज़र आता है स्क्रीन पे बैठा हुआ शख्स और हम सब वही बनना चाहते हैं चाहे हम मीडिया पढ़े हैं या टीवी ब्रॉडकास्टिंग पढ़े, तो किस तरह से कोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट हैं, क्या प्रैक्टिकल कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे जिससे आप ये सारी जो नई फैसिलिटीज़ हैं उनको भी यूज़ करना सीखेंगे? अब देखिए कैमरे के हवाले से जो बेसिक आपके कोर्सेज हैं कैमरा लाइक उसकी जो बेसिक हैंडलिंग है देन इवन टू दी हाइस्ट स्टैंडर्ड सिनेमेटोग्राफी के लाइक शॉट की जो रैशनैलिटी है इसके पीछे आप शॉट एक शॉट क्यों लेते हैं उसके एस्थेटिक्स थेरेटिकल जो उसके साथ जो नॉलेज है उसके हवाले से कोर्सेज हैं, प्लस एंकरिंग के हवाले से हैं प्रोडक्शन के हवाले से हैं कि वेयर जो स्टूडेंट्स हैं दे विल लर्न प्रोडक्शन एस्पेक्ट
इवन सेट डिज़ाइनिंग के हवाले से हमने कोर्सेज रखे हुए हैं, ग्राफिक्स के हवाले से हैं, अब एडिटिंग, लाइक हमने हर एस्पेक्ट जो टीवी का था उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है, क्योंकि ये जब कोर्सेज डेवलप किए गए हैं तो इंडस्ट्री से भी काफ़ी इनपुट लिया गया है कि ताकि हम उन कोर्सेज को इसके अंदर यानी ऑफर करें कि ताकि जब हमारा कल स्टूडेंट जाए मार्केट के अंदर तो उसको उसके लिए कोई यानी मुश्किल उसे दरपेश ना हो। तो डेफिनेटली हमने मार्केट डिमांड को जहन में रखा और उस हवाले से हर एस्पेक्ट के यानी लिहाज से हमने कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि जब ये हमारे ग्रेजुएट्स यहाँ से निकलेंगे तो they'll be self-sufficient. That's a very nice initiative. क्योंकि मुझे आज भी याद है डॉक्टर साहब कि जब मैं ग्रेजुएट हुई थी और मेरी जॉब पहली बार हुई थी तो मेरे दोस्तों ने कहा कि प्रोड्यूसर तो वही होता है जो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करता है फिल्म में, तो ये कैसी जॉब है, इसका क्या काम होता है। तो आज के बच्चे जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, वो बहुत कुछ लर्न करके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सारी फैसिलिटी बैरिया यूनिवर्सिटी के पास है मीडिया हाउस, ये किस कदर इफेक्टिव है और किस कदर इसका जो है वो रोल है टीवी ब्रॉडकास्टिंग में? देखो, एक तो ये कि इस्लामाबाद में बेरी यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जिसके साथ एक कंप्लीट पैकेज है, टेक्निकल पैकेज है, जिसमें बेहतरीन स्टूडियोज़ है, हमारे पास एक बेहतरीन रेडियो है, हमारे पास लैब्स है, टेक्निकल लैब्स है, और हम अपना एक इंडिपेंडेंट टीवी चैनल भी चला रहे हैं जिसको हम BU वेब टीवी देख कर रहे हैं, और उसके लिए बाकायदा प्रोडक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर और यूनिवर्सिटीज़ में मैं देख रहा हूँ कि या तो 2-3-4 लोग उसको पूरे उस सिस्टम को देख रहे होते हैं, यहाँ पे एक कंप्लीट चैनल की तरह टीम है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ मैनेजमेंट को भी कि जब भी उनसे हमने डिमांड किया कि हमें इस तरह ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए और प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए हमें लोग चाहिए, हायर करना है, तो हमें उन्होंने कभी भी ना नहीं किया है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट हमारे पास एक टीम, मजबूत टीम मौजूद है, और हमें कोई प्रॉब्लम किसी जगह पे भी नहीं है। मैं चंद चीज़ें और भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो टेलीविज़न का जो प्रोग्राम है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग का जो प्रोग्राम है, ये एक कम्पिटिटिव प्रोग्राम है। इसको जब बना रहे थे, इसको जब हम सोच रहे थे, तो अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी के सिलेबसेस को, उनकी करिकुलम को, उनके प्रोग्राम को जो इससे रिलेटेड थे उसको भी देखा गया, ब्रिटिश को भी देखा गया, और कोई ऐसी एरिया नहीं है जो वहाँ है और यहाँ नहीं है। तो ये कंप्लीट पैकेज है, ये आपका स्टार्ट होता है कि कैसे आपकी जो थिंकिंग, आप इलेक्ट्रॉनिक थिंकिंग कहाँ से शुरू होकर और एंड कहाँ होता है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, इसमें जितने भी मराइल है स्टूडेंट को हम उन तमाम मराइल से थ्रू करते हैं। वो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, वो शूटिंग कर रहे हैं, वो स्टूडियो को समझ रहे हैं, लाइटिंग के मुख्तलिफ किस्मों को समझ रहे हैं। लाइटिंग को समझना इतना आसान काम नहीं है, जर्नली तो ये बहुत आसान है कि एक लाइट ऑन कर ले और शुरू कर ले, इसके लिए बहुत शेड और बहुत अप डाउन्स और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इसकी टेक्निक्स है। और फिर कैमरा बड़े एंगल्स होते हैं, ये सिर्फ नहीं कि एमेच्योर एक पर्सन है उसने जा रहे शूटिंग कर रहे, कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है और तस्वीरें ले रहे हैं, ये तो आम आदमी कर सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल और जो हमारा स्टूडेंट होगा वो इस तरह तस्वीरें नहीं लेगा। उसको हर एंगल का, उसकी अर्स, उसकी पूरी, उसके पीछे जो फिलॉसफी है उसे उन्हें पता होगा। तो लिहाजा लाइटिंग, कैमरा टेक्निक, क्योंकि हमने जो स्टूडेंट्स को ओवरऑल हम तैयार करेंगे कि उस जब बच्चा वहाँ जाए टेलीविज़न इंडस्ट्री में जाए तो वो कोई ये ना हो कि भाई मुझे ये नहीं आते, मुझे ये नहीं आते, ये नहीं आते। हम यहाँ कंप्लीट उसकी ट्रेनिंग करा रहे हैं ताकि उसमें किसी चीज़ की कमी ना हो। और ज़्यादातर मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस प्रोग्राम में इस वक्त वो स्टूडेंट आ रहे हैं जिनको बेइंतहा शौक है। बिल्कुल ठीक है ना, हर एक आदमी देखो कैमरे ने और टेलीविज़न की एक ताकत तो है ना, पूरे दुनिया को उन्होंने एक अट्रैक्शन है और हर एक की एक ख्वाहिश है, और ख्वाहिश तो बहुत लोग रख रहे हैं, लेकिन ये इतना ये टफ मीडियम है, इसको समझना, इसको करना और इसको एक एंड तक लेके जाना, ये इंटेलिजेंट लोगों का काम है, क्रिएशन का काम है, क्रिएटिव इंडस्ट्री है। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को हमने देखा हुआ है। हमारे पास कोई 40-45 कोर्सेज है जिसमें मैक्सिमम कोर्सेज जो है ना थेरी भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप अगर आप क्रिटिकल एबिलिटी किसी की डेवलप नहीं कर सकते तो फोटो वो तो तस्वीर नहीं खींच सकता है। तस्वीर खींचने के लिए भी आपकी क्रिटिकल एबिलिटी, आर्टिस्टिक माइंड होना, माइंड तो होना बहुत जरूरी है। तो लिहाजा इस प्रोग्राम को हमने कंबाइंड किया हुआ है, 30% थ्योरी और 70% इसको प्रैक्टिस किया हुआ है, और ये कंप्लीट पैकेज है।
फर्क साहब, एडमिशन्स का भी दौर है, तो किस तरह से होगा कि क्या एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या है हमारे पास? वो तो जो जनरल एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है हम उसको फॉलो करते हैं, और वो डिटेल में हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो उसको देख सकते हैं। और उसके बाद जो है एक हमारा टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है CBT, और उसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो आई थिंक 33% हैं। वो भी शायद जो गाइडलाइंस हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, डिफरेंट जो पेजेस हैं हमारे उसके ऊपर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है उनको एक जो अभी सर ने बात की, आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड फ्यू थिंग्स हियर कि यानी इस फैसिलिटी की आपने बात की कि इसका फ़ायदा क्या है, तो मेरे नज़दीक जो एक इंडस्ट्री का फियर है वो ख़त्म हो जाता है। आप इंडस्ट्री में जाएंगे आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी, तो आपको खौफ नहीं होगा, आपको कैमरा फियर नहीं है, आपको लाइट का फियर नहीं है, आपको किसी चीज़ का फियर नहीं है, बिकॉज यू फील के यू हैव बीन इन दिस एनवायरनमेंट फ्रॉम द पास्ट 4 ईयर्स। तो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें जो है नई नहीं लगेंगी, एक शॉक नहीं है, और अल्टीमेटली आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे अपने कंटेम्प्रेरीज से जो इस्लामाबाद या पिंडी से आपसे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। सो ये हमारे स्टूडेंट को एज है कि यहाँ पे उनको इस तरह की फैसिलिटी है कि जिसके अंदर वो अपने यानी अपने टैलेंट को ऑप्टिमम लेवल तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो यानी आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम इफ दे वांट टू डू समथिंग वंडरफुल क्रिएटिव, स्पेशली इन टेलीविजन सेक्शन। सो डू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, आने वाले BSTV ब्रॉडकास्टिंग के स्टूडेंट्स के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स को जो इस इंडस्ट्री में वो आना चाहते हैं तो हम पे वो एतमाद करें, यहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स मौजूद है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ मौजूद है, और आए पेरेंट्स को भी बिल्कुल एतमाद होना चाहिए हमारे ऊपर, और मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर वो 4 साल यहाँ हमारे साथ गुजारेंगे तो टेलीविज़न और डिजिटल इंडस्ट्री में उनके लिए ताबनाक मुस्तकबिल अवेलेबल होगा, उनका इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन इसके लिए शर्त है कि उसने बेइंतहा इंटरेस्ट के साथ हमारे साथ पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, हमारे साथ मौजूद थी 2 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जिनसे हम बात कर रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि हमने जितना कुछ उनसे सीखा आपने भी इस गुफ्तगू से इतना कुछ सीखा होगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं बेरी यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, और वेबसाइट पर हम मौजूद हैं सारे जो तरीक़ेकार हैं, तो जल्दी से जाइए और अपना एडमिशन पक्का कर लीजिए। जनाब, देखते रहिए BU TV। इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा। ज़िंदगी रही तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। बाय बाय।